जहां जहां हम शिकायत करते हैं वहां वहां कुछ ना कुछ तो फायदा हमारा होता ही होगा, नहीं तो हम शिकायत क्यों करते बैठेंगे। देखो, एक तो शिकायत हम वहां करते हैं कि जहां हमको कोई एक्शन लेनी नहीं है, कुछ डिस्कम्फर्ट करना नहीं है। शिकायत करना है तो फिर वहां एक्शन है नहीं, तो एक्शन लेंगे तो फिर तकलीफ होंगी, तो फिर करना क्या है, शिकायत करो। शिकायत करने का सबसे फायदा जो होता है वो ऐसा है कि मैं जब शिकायत कर रहा हूँ तो मैं खुद को ये साबित कर रहा हूँ कि मैं सही हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो सही है, वो राइट है, और आप गलत हो, आप रॉन्ग हो। तो मैं सही हूँ और आप गलत है, मतलब मैं ये बोल के लोगों के ऊपर हावी हो जाता हूँ, लोगों के ऊपर डोमिनेट करता हूँ, डोमिनेशन करता हूँ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो उसका स्पष्टीकरण भी देता हूँ, जस्टिफिकेशन भी देता हूँ, और वो जो डायलॉग डिबेट होगा उसमें मैं जीतता भी हूँ और बोलता हूँ कि मैं कैसा सही हूँ। जोर जोर से बोलूँगा, मेरा कहना जोर से वहाँ सामने रखूँगा और बोलूँगा मैं कैसा सही हूँ। मेरे को प्रूव करना पड़ता है कि मैं राइट हूँ, और ये मैं जोर जोर से करता हूँ ये छुपाने के लिए कि मुझे वहाँ कुछ करना है नहीं, मुझे कोई जिम्मेदारी लेना नहीं है। मगर मैं कितना परेशान हूँ, मेरे को कितनी पड़ी है वो मुझे बताने का है। अरे भाई, जहाँ एक्शन लेना है वहाँ तो एक्शन में फटाफट ले लूँगा, वहाँ कंप्लेंट नहीं करूँगा। समझो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है करके मैंने कंप्लेन किया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर। कंप्लेन करने के बाद में यदि वो कोई आते नहीं है तो मैं क्या कंप्लेन करते बैठूंगा कि कुछ एक्शन लूँगा? मैं कंप्लेन करते नहीं बैठूंगा, फिर मैं फिर और कंप्लेन करूँगा, फिर नहीं होते तो फिर मैं वहाँ ऑफिस में जाऊँगा, किसको पकड़ूंगा, वहाँ इलेक्ट्रिशियन को पकड़ूंगा, वहाँ से लाऊंगा, उसको बिजली लाने के लिए बोलूँगा, जो भी कुछ है वो करूँगा। जब मुझे कुछ भी करना नहीं है तो फिर मैंने कंप्लेन करना है। तो फिर कंप्लेन मैं कहाँ करता हूँ, जहाँ मुझे एक्शन लेनी नहीं है। मेरी बीवी ऐसी है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरी माँ ऐसी है, मेरी सास ऐसी है, मेरे लोग ऐसे हैं, मेरा बॉस ऐसा है, मेरा बॉस मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है, मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं है। करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ बोलते जाना है और बोल के बताने का कि देखो मेरे को कितनी पड़ी है। मगर जब जब आप कंप्लेन करते हो तब तब आपको उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। कीमत कौन सी चुकानी पड़ती है? जब मैं कंप्लेन करता हूँ तो वहाँ मुझे अलाइवनेस नहीं रहता है, जिंदा दिल नहीं रहता हूँ मैं वहाँ, वहाँ मेरा प्यार नहीं रहता है। जब मैं कंप्लेन करता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे रेस्टलेसनेस, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, जोशीलापन चले जाता है, शक्ति नहीं रहती, ताकत नहीं रहती, ऊर्जा नहीं रहती, जोश नहीं रहता है, क्योंकि मैं वहाँ जैसा खुद को मार देता हूँ। क्योंकि जब मुझे कुछ करना पड़ेगा एक्शन तो ये सब गायब हो जाएगा। तो ये कीमत जो चुकानी पड़ती है वो बहुत खतरनाक है, जो हम कभी देखते नहीं हैं। अरे जब आप जिंदा दिल नहीं हो, यदि आप अच्छे से जी नहीं सक रहे हो तो कितनी बड़ी कीमत है ये, क्या आप चुपचाप सहन कर रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो और बोल रहे हो देखो कितनी तकलीफ है। एक्चुअली आप राइट है ऐसा बताने का है, मगर एक्चुअली आपको कितनी तकलीफ हो रही है, आपके बदन को तकलीफ हो रही है, आपका बीपी बढ़ता होगा, शायद आपकी शुगर बढ़ गई होंगी, या शायद आपको माइग्रेन के अटैक आते होंगे, सर दर्द होता होगा, पीठ में दर्द होता होगा, तकलीफ तकलीफ तकलीफ, देखो कितनी तकलीफ हो रही है, देखो कितनी तकलीफ हो रही है, बताने का है तो सब बीमारियाँ जड़ जाती है, सब बीमारियाँ हो जाती है, और जिंदा दिल आदमी रहता नहीं। जब मैं शिकायत करता हूँ तो मुझे वहाँ जिम्मेवारी लेने की नहीं है, जिम्मेवारी से काम करने का नहीं है, इसलिए मैं शिकायत करते रहता हूँ। तो भी आपको ये देखना है कि क्या मुझे तकलीफ है, तकलीफ है, तकलीफ है, तकलीफ है, ऐसा बोलते 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 खुद को तकलीफ देते हुए, खुद के बॉडी को तकलीफ देते हुए जीना है, या वहाँ कोई जिम्मेवारी लेना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ये पहले छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं सही हूँ और वो गलत है, ये छोड़ना पड़ेगा। ये दुनिया में कोई भी सही नहीं है और कोई गलत नहीं है। मैं जब कंप्लेन करता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही हूँ, वो एकमेवा द्वितीय पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, मैं जो बोल रहा हूँ वही है, वही सत्य है, वही एक ही पॉइंट है और वही सही पॉइंट है। एकमेवा द्वितीय है, सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू, ओनली पॉइंट ऑफ व्यू। नंबर दो, ट्रू पॉइंट ऑफ व्यू, वो सत्य है। नंबर तीन, राइट पॉइंट ऑफ व्यू, मैं सही हूँ। और इसमें फिर हम चलते रहते हैं। ये पहले छोड़ना पड़ेगा, मुझे ये देखना पड़ेगा कि नहीं, मेरा पॉइंट जो है वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक ही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, और बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं और लोगों के मत हो सकते हैं। मेरा एक मत है तो लोगों का एक मत हो सकता है, सबकी मैंने सुनना चाहिए।
तो सबकी सुनने के लिए पहले मेरा पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ना पड़ेगा मुझे। मैं जब छोड़ दूंगा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू देख सकूंगा। जब तक मैंने ये पेन हाथ में पकड़ लिया है ऐसा, तो मैं दूसरा पेन हाथ में पकड़ नहीं सकता हूँ। मुझे पहले ये छोड़ना पड़ेगा, हाथ खाली करना पड़ेगा, और फिर मैं कुछ भी इसमें पकड़ सकता हूँ। तो फिर करना क्या है? शिकायत नहीं करना है, अपना जो देखने का नज़रिया है उसको बाजू में रखने का है। सबके जो नज़रिए देखने के वो देखना है, और एक्शन लेना चालू करना है। चुपचाप बैठना नहीं है। जो स्टैंड में बैठे रहते हैं वो सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं, जो एक्चुअली मैदान में रहते हैं वो खेलते रहते हैं, वो एक्शन लेते रहते हैं। तो आपको एक्शन लेना है, मैदान में उतरने का है, कंप्लेन नहीं करने का है। देखो ज़िंदगी बहुत बढ़िया हो जाएंगी, ज़िंदगी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।